भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी से जहां साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 286 पर पवेलियन लौट गई, वहीं दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को भी तीन बड़े झटके लग गए। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन का हाल, भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी से जहां साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 286 पर पवेलियन लौट गई, वहीं दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को भी तीन बड़े झटके लग गए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया बैक फुट पर आ गई है। भुवनेश्वर 19 ओवर में 87 रन देकर 4 विकेट के पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाले साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को झकझोरकर 5वें ओवर तक उसका स्कोर 3 विकेट पर 12 रन कर दिया। एबी डिविलियर्स और कप्तान फाफ डुप्लेसिस 62 ने चौथे विकेट के लिए 114 रन जोड़कर बीच में विकेट गिरने का क्रम रोका, लेकिन यह साझेदारी टूटते ही भारतीय गेंदबाज हावी हो गए और दक्षिण अफ्रीकी टीम 286 रन पर आउट हो गई। उसके बाद भारत का टॉप ऑर्डर भी चरमरा गया और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक वह 3 विकेट पर 28 रन बनाकर संघर्ष कर रहा है। भारत अब भी साउथ अफ्रीका से 258 रन पीछे है। उसका दारोमदार भरोसेमंद चेतेश्वर पुजारा नाबाद 5 पर टिका है। उनके साथ दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा ने अभी खाता नहीं खोला है, जिन्हें अच्छी फॉर्म को देखते हुए अजिंक्य रहाणे की जगह टीम में रखा गया है। 4 विशेषज्ञ गेंदबाजों और 1 ऑलराउंडर के साथ उत्तरी भारतीय टीम ने दोनों सलामी बल्लेबाजों मुरली विजय 1 और शिखर धवन 16 के अलावा कप्तान विराट कोहली 5 के कीमती विकेट गंवाए हैं। इन तीनों ने खराब शॉट खेलकर अपने विकेट इनाम में दिए।